पी आर, यानी कि अगर ये पी क्यू है और अगर ये क्यू आर है तो फिर पी क्यू प्लस क्यू वन, और चूंकि ऐसा है देयरफोर हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर टू, वेरीफाई दैट 07 -10 1, 6 -6, 49 -6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, लेट अस सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, दे आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? जिनमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, टू साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। एग्जैक्टली। तो यहाँ मुझे ये प्रूव करना है कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो यानी कि ये जो है ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी। तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमें देगा लेंथ ऑफ ए बी, उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी हमें देगा लेंथ ऑफ ए सी, एंड सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी विल गिव लेंथ ऑफ बी सी। तो ये तीनों लेंथ्स को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या हो